हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपराइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज हम खड़े हैं यामाहा एक्सीलेंस मोटर के शोरूम में, और आप डिस्प्ले में देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी है मॉन्स्टर। तो अंदर चलता हूं और आज आपको दिखाता हूं मैं मॉन्स्टर का रिव्यू। तो ये हमारे सामने खड़ी है MT15 का वर्जन सेकेंड। तो भाई ये कुछ इस तरीके का मॉन्स्टर हमें देखने में मिलता है। भाई लुक देखो, सबसे पहले तो जितने भी लोग इसको ख़रीदते हैं वो इसकी लुक की वजह से ही ख़रीदते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका मॉन्स्टर लुक हमें देखने को मिलता है। और ये हमारे पास खड़ी है MT15 का वर्जन सेकंड BS6 फेज 2। तो भाई स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इसका हेड, जिसके ऊपर आपको कोई भी विंडशील्ड नहीं देखने को मिलती है। एक स्पोर्ट्स नेक्ड बाइक है। वही यहाँ पर ये दो DRLs जो कि आइज की तरह लगते हैं, और यहाँ पर इसका रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा जो कि लो बीम और हाई बीम दोनों इसी के साथ काम करता है। और कुछ इस तरीके से हमें इसका सामने का फ्रंट फेस देखने को मिलता है। वहीं आप इसके अलॉय व्हील की बात करें तो यहाँ आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी मोटे, तो 41 mm से भी मोटे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्जन 2 में कंपनी ने यहाँ हमें डिज़ाइन दिया है। और इसके कलर की बात करें तो ये हमें वाइट और रेड ऑरेंज के कलर में हमें कम्बिनेशन में देखने को मिलती है। तो नीचे की तरफ बात करें तो हमें वाइट कलर में इसका मडगार्ड जो कि हमें फाइबर में देखने को मिलता है। नीचे की तरफ बात करें तो ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील, फ्रंट डिस्क विद ABS की रिंग, और फ्रंट डिस्क की बात करें तो ये हमें 282 mm की देखने को मिलती है। और ये हमें वेंटिलेटेड भी डिस्क साथ में दिया है, सिर्फ कंपनी ने यहाँ पेडल डिस्क हमें देखने को नहीं दिया। ब्रेक की बात करें तो बाइब्रा के इसमें हमें डुअल कैलिपर के ब्रेक मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे ब्रेक, और ज़्यादातर इंडिया में कंपनी जो स्पोर्ट्स बाइक के लिए इसी को यूज़ करती है। भाई अब हम बात करें टायर की तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें MRF का कंपनी ने टायर दिया। वहीं टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ आप देखें 100, 80, 17, तो हमें 17 इंच का इसमें 100/80 का टायर देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी ने हमें रेडियल टायर फ्रंट साइड में नहीं दिया है। और भाई जैसे मैंने आपको इसका कलर दिखाया तो कुछ इस तरीके का कलर इसमें हमें देखने को मिलता है। और भाई काफ़ी मस्त कलर ये देखने में लगता है, और मेरा सबसे फेवरेट कलर है एक ये और एक प्योर ब्लैक। वहीं पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 155 150 cc के अंदर हमें लिक्विड कूल्ड इंजन इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि सेम R15 का ही कंपनी ने उठाया है। वहीं हम थोड़ा पीछे की तरफ बात करें तो ये कुछ सामने की तरफ इस तरीके के हमें इस पर स्टड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एयर वेंटिलेशन के लिए जाली। वहीं हम इस साइड बात करें तो ये ऑरेंज रेड कलर में हमें MT15 की स्टिकरिंग यहाँ देखने को मिल जाती है जो कि वाइट और ऑरेंज में कंपनी ने दी है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर हमें MT की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि मेटल प्लेटिंग के साथ कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। तो कुछ साइड से इस तरीके का लुक इसमें हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो ये आप इंजन देख सकते हैं वही सेम R15 वाला, उसके अंदर दिखता नहीं क्योंकि फेयरिंग होती है और इसके अंदर हमें साफ दिख रहा है। वहीं इसकी पावर फिगर्स की बात करें तो 18.1 BHP की पावर और 19 Nm का टॉर्क ही हमें प्रोवाइड करती है। तो भाई अभी तक ये अपने सेगमेंट में 150 cc में सबसे पावरफुल बाइक है जो इसकी बहन है R15 के साथ। तो वहीं हम बात करें यहाँ हमें इसका फ्यूल फिल्टर देखने को मिल जाता है, और यहाँ आप इंजन की ओर देखें तो काफ़ी बिजी सा पूरा इंजन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो कि पूरा नेट तरीके से है। वहीं नीचे की तरफ बात करें तो इसमें हमें फाइबर का इंजन काउल भी देखने को मिल जाता है जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा इन्हेंस करता है। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे ये स्क्रू भी दिए हैं जिसके आप ईजिली यहाँ पर एक मड फ्लैप भी आराम से लटका सकते हैं। वहीं ऑक्सीजन सेंसर आपको देखने को मिलेगा इसके साइलेंसर पे, और कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करें तो वो कंपनी ने इस इंजन काउल के अंदर छुपा दिया है। वहीं ब्रेक की बात करें तो पीछे के लिए हमने ये इस तरीके का छोटा सा लीवर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और पैड की बात करें तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्टडी हमें सिल्वर कलर का पैड देखने को मिलता है। भाई डिज़ाइनिंग बड़ी टॉप की कर रखी है। वहीं साइलेंसर की बात करें तो यहाँ हमें साइलेंसर पर फेक कार्बन फाइबर की साइलेंसर के ऊपर फिनिश देखने को मिलती है। वहीं कुछ इस तरीके का इतना बड़ा साइलेंसर कंपनी ने हमें इसमें दिया है। पीछे की तरफ बात करें और पीछे वाले टायर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ हमें
ऑरेंज कलर का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। और टायर साइज़ की हम बात करें तो टायर साइज़ देखें 140x17 R17 इंच का रेडियल टायर इसमें कंपनी ने हमें दिया है, जो कि वैसे ही MRF कंपनी का है। और आप टायर की चौड़ाई देख सकते हैं कितनी है भाई, ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा इतना चौड़ा टायर है और रेडियल टायर है। तो भाई कॉर्नरिंग पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करा के देगा। अब बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो पीछे की तरफ आप देखें 220mm का इसमें हमें वही वेंटिलेटेड डिस्क देखने को मिलता है, और साथ में ये रिंग देख रहे हैं तो भाई वर्जन 2 के अंदर भी कंपनी ने हमें अब डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक दे दी है, जो सबसे बड़ी कमी थी वो अब कंपनी ने पूरी कर दी है। पीछे वाले ब्रेक की बात करें तो सिंगल कैलिपर का निफ्टी का इसमें हमें ब्रेक देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके का हमें इसका बैक व्हील का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके रेयर से, तो रेयर से कुछ इस तरीके का प्रोफाइल इसमें हमें देखने को मिलता है। तो भाई ये देखो काफ़ी अच्छी छोटी सी है लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पर ऊपर ही रिफ्लेक्टर है और यहाँ LED लाइट कंपनी ने हमें दी है। इंडिकेटर की बात करें तो LED इंडिकेटर जो कि वर्जन 1 में कंपनी ने हमें हैलोजन में दिए थे, तो यहाँ पर LED इंडिकेटर प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ी मेन हाईलाइट जो कि इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज में हमें देखने को मिलती है वो इसकी है टेल्ट ID। तो ये आप देख सकते हैं सीट सिर्फ यहाँ तक है, और यहाँ पर आपको कितनी लंबी इसके अंदर टेल्ट ID देखने को मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं इसके लुक को काफ़ी एनहेंस करती है। और आप अगर इसको हटवाना चाहें तो आप इजीली इसे हटवा भी सकते हैं, और ये भाई हमें अब की बार चेसी के अंदर ही देखने को मिलती है, तो शायद आप इसे नहीं हटवाओं पे आपको यहाँ से चेसी कटवानी पड़ेगी, ये चेसी का पार्ट है। तो ये अब और भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, जैसे वर्जन 1 के अंदर ये हिलती थी। तो सबसे बड़ा जो काम कंपनी ने यहाँ किया है एक ये कि चेसी के अंदर इसकी टेल्ट ID दी है, वहीं साथ में इसमें डुअल चैनल ABS हमें प्रोवाइड करा दिया। और पीछे से इसकी लुक रिफ्लेक्टर, ये साइड वाले रिफ्लेक्टर तो कुछ इस तरीके के देखने को मिलती हैं। जैसे हमें पता है ये थोड़ी सी पीछे से ओपन और कीचड़ फैक्ट्री, तो यहाँ पर कंपनी ने हमें मड फ्लैप दे दिया है। यहाँ बात करें तो लेडी साड़ी गार्ड जो कि कंपलसरी है। चैन सिस्टम की बात करें तो भाई ओपन चैन सिस्टम इसमें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि R15 में देखने को मिला था, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। अब बात करें इसके साइड फुटपैक की, तो साइड फुटपैक हमें सेम आगे और पीछे सारे सेम देखने को मिलते हैं, स्टेप अप फुटपैक कंपनी ने हमें दिया है। भाई पीछे वाले सस्पेंशन की बात करें तो मोनो सस्पेंशन और येलो कलर के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा हाईलाइट और काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको देगी। वहीं आप ये साइड में सिल्वर कलर के पेडल्स और ये इस तरीके का साइड बैकरेस्ट देखने को मिलता है। वहीं ये इसका गियर लीवर, और गियर लीवर की बात करें तो यहाँ में 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि 1 डाउन और 5 अप के साथ देखने को मिलता है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स कंपनी ने इसमें हमें दिया है। R15 की तरह इसमें मिडिल स्टैंड नहीं है भाई, साइड स्टैंड, और ये इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ हमें देखने को मिल जाता है। इंजन की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी। भाई स्पोर्ट्स बाइक्स में मसला रहता है ग्राउंड क्लियरेंस का, और इसके अंदर आपको 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी, और सेम ग्राउंड क्लियरेंस हमें MT15 के अंदर भी देखने को मिलती है। तो अब बात करेंगे हम इसके फ्यूल टैंक की, तो भाई कुछ इस तरीके का फ्यूल टैंक इसमें हमें देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग और काफ़ी छोटा सा और काफ़ी हैवी सा फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो कि ऊपर से तो फाइबर में लेकिन अंदर से मेटल में कंपनी ने हमें दिया है। वहीं डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो वाइट के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और ये MT का ऑरेंज कलर का लोगो हमें यहाँ कंपनी ने प्रोवाइड किया है। फ्यूल टैंक की बात करें तो भाई 10 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें हमें देखने को मिलता है, तो और माइलेज की बात करें तो 48 से 55 किलोमीटर तक की माइलेज भी आपको इजीली देगी, अगर कोई कंफर्टेबल राइडर हो और अगर काफ़ी भगाओगे तो आपको 30 से 35 की माइलेज ही बिल्कुल आराम से निकाल के दे देगी। और इसकी कीज़ की बात करें तो इसकी की FZ की तरह यहाँ लगती है, और ये कुछ इस तरीके की सिंपल की इसमें हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें इसकी सीट की, तो वही MT15 वर्जन 1 की तरह इसमें हमें कुछ इस तरीके की कर्व सीट देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी वाइड है और राइडर के लिए काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल राइड हमें निकाल के देती है। वहीं पिलियन की बात करें तो पिलियन के लिए हमें वही प्रॉब्लम फेस होती है, पीछे से थोड़ी कम चौड़ी सीट है, लंबी ये ठीक है लेकिन थोड़ी कम चौड़ी है, तो यहाँ पर पिलियन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है, लेकिन वहीं पर साथ में हमें ये
कंपनी ने सपोर्ट भी दे दिया, जिससे इजीली पिलियन आराम से बैठ सकता है। यही बात करें साइड में, कंपनी ने हमें पकड़ने के लिए काफ़ी हैवी रोड्स दी हैं, जिससे आप इजीली पिलियन कहीं भी पकड़ के बैठ सकते हो और उसे कोई भी डिसकम्फर्ट नहीं होगा। वहीं हम आगे की तरफ बात करें इसकी सीट हाइट की, तो सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट ज़मीन से लेकर ऊपर तक 810 mm की इसमें हमें देखने को मिल जाती है। और भाई जैसे मैंने आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाया, तो इतना बल्कि डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। और कर्व वेट की बात करें तो 141 किलो की ये बाइक हमें देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इसके हैंडल बार की, तो हैंडल बार की बात करें तो सिंगल पीस में इसमें हमें हैंडल बार देखने को मिलता है, कोई क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें कंपनी ने नहीं दिया है। तो यहाँ बात करें तो भाई क्लिच की बात करें तो काफ़ी लाइट क्लिच है और हद से ज़्यादा लाइट है। वहीं बटन की बात करें, हाई बीम, लो बीम और ये पास स्विच इसके अंदर हमें इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ इसमें हमें हॉर्न और नीचे की तरफ साइट्रन इंडिकेटर दिए हैं, तो भाई ये एमटी के अंदर आता है और ये इसकी पहचान है कि ये उल्टा देती है। सिंगल पीस में हैंडल बार। वहीं सामने की तरफ आएँ तो रेड कलर का इसमें हमें इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। सामने फ्रंट डिस्क ब्रेक और ये ब्रेक ऑयल का लीवर यहाँ हमें कंपनी ने दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी मेन हेडलाइट की। मेन हाईलाइट है इसका ये मीटर, इसको स्टार्ट करूँ तो कुछ इस तरीके का ये मीटर हमें देखने को मिलता है। नेगेटिव LCD है और अगर आपको पता हो तो version 1 से इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर किया गया है और काफ़ी ब्राइट भी है ये। डायरेक्ट सनलाइट में, जैसे मैंने आपको दिखाया तो डायरेक्ट सनलाइट हमारे साइड से आ रही है, तो इस तरीके का डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरीके का इसके ऊपर पन्नी लगी है। तो यहाँ हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ देखें TCS ट्रैक्शन कंट्रोल भी कंपनी ने यहाँ दिया है, इंजन मॉल फंक्शन लाइट और न्यूटन की लाइट, जो कि आपकी बाइक जैसे फर्स्ट गियर में तो फर्स्ट है वरना ये लाइट यहाँ पर जल जाती। वहीं साइड बात करें तो ABS की लाइट यहाँ हमें दी है, वहीं हाई बीम की लाइट और साइट्रन इंडिकेटर की लाइट्स हमें कंपनी ने यहाँ पर दी हैं। वहीं मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सबसे पहले डिजिटल इसमें स्पीडोमीटर, ये आप देख रहे हैं ब्लिंक करता हुआ, ये फ्यूल मीटर इसमें डिजिटल है। ये 65 किलोमीटर यहाँ हमें कंपनी ने ओडोमीटर दिया है। यहीं से हम सेलेक्ट करें तो ये इसमें ट्रिप 1 वो टाइम था, ये ट्रिप 2, ट्रिप 1 एवरेज फ्यूल कंजप्शन, 17 एवरेज स्पीड, तो ये सब इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। ऊपर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, इस साथ में इसमें हमें डिजिटली RPM मीटर देखने को मिलता है। और इसकी रेड लाइनिंग की बात करें तो 11,000 RPM पे है, बाकी बाइक 9 से 10 पर भी जाती है लेकिन 11,000 पे है। तो आपकी इसके इंजन की कैपेसिटी देख सकते हैं कितना अच्छा इंजन कंपनी ने इसमें यूज़ किया है। वहीं पे ऊपर ये VVA की लाइट है, जैसे ही ये वर्चुअल वॉल एक्चुअलाइजेशन, जैसे मैंने आपको शायद दिखाया नहीं, उसकी ब्रांडिंग आपको इसमें शायद कंपनी ने नहीं दी है, पहले यहाँ पर देते थे जहाँ पर अभी यहाँ की ब्रांडिंग है, तो यहाँ देते थे VVA की। तो ये VVA की लाइट है, जैसे ही ये 3000 RPM से ऊपर जाएगी 7000 से, तो ये VVA में हो जाएगी और ये काफ़ी अच्छी आपको पिकअप और काफ़ी अच्छी स्पीड भी प्रोवाइड करा के देगी। तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक हमें देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको इसकी साउंड सुना दूँ, किल स्विच ऑन करेंगे और जैसे हम इसको दबाएंगे तो भाई ये मैंने आपको इसकी साउंड सुनाई और कितनी बेस वाली और कितनी स्पोर्टी साउंड इसमें हमें देखने को मिलती है। तो भाई ये था रिव्यू हमारी MT15 version 4 का, प्रॉपर ऑन होने के बाद सामने से कुछ इस तरीके का लुक इसमें हमें देखने को मिलता है। भाई बाइक पसंद आई और आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो शोरूम का बोर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था और इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप शोरूम पर आकर इसको ईज़िली खरीद सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं लगातार ऐसी बाइकों की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो भाई जिसको ये मॉन्स्टर पसंद है उसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।